सत्संग का मतलब यहां सच का संग करने को मिले, सच का साथ मिले और सच हर धर्मानुसार वो है जो कभी झूठ नहीं हो सकता। सच था, सच है और सच ही रहेगा। जो तीनों कालों में सच है उसको सच कहा जाता है और ऐसा सच सिर्फ एक ही है जिसे ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु अनेक नामों से बुलाया जाता है। वो ऐसा सच है जो कभी नहीं बदलता, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रलय आए, महाप्रलय आए और सब खत्म होता है, लेकिन वो सच मालिक प्रभु परमात्मा ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, तो उसको सच कहा है। संग बिना ढोंग, बिना दिखावे के, बिना आपको लूटे, बिना धर्म जात मजहब का चक्कर चलाए, जो प्रभु की बात की जाए उससे मिलाने का, उसकी दया में रहमत पाने का तरीका समझाया जाए, वो सच्चा संग है, साथ है। तो सत्संग का मतलब या प्रभु परमात्मा की पाक पवित्र बात बिना ढोंग पाखंड के हो और उससे मिलने का तरीका मिले, वही सच्चा सत्संग है। सत्संग का मतलब ये नहीं होता कि आपको सुनाएं कुछ और बदले में आपसे काफी कुछ ले जाएं, पैसा चढ़ावा, तो ये सत्संग नहीं, ये तो सौदेबाजी हो गई। आपको राम का नाम सुनाया, अल्लाह वाहिगुरु परमात्मा ईश्वर की बात सुनाई और बदले में आपसे माया ऐंठ ली, तो ये सत्संग नहीं, ये तो एक बिजनेस है, व्यापार है, जो इस कलयुग में बहुत चल रहा है। नाम संतों का, नाम सत्संग का, लेकिन भोले भाले लोगों को, इंसानों को मालिक के नाम पे, जात धर्म मजहब के नाम पे लूटा जाता है और वो हंसते हंसते सब कुछ लुटा देते हैं। समझते नहीं कि दातार को हम क्या दे सकते हैं। वो ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा वाहिगुरु ईश्वर वो दातार था, दातार है और दातार ही रहेगा। और जो दाता है वो मंगता कैसे हो सकता है। हर धर्म में लिखा है भगवान देता है।
सब कुछ देता है अगर मांगने का तरीका हो, सही ढंग हो। दया मेहर करता है, रहमत करता है, अपने रहमो करम से स्वर्ग जन्नत से बढ़ के जिंदगी में सुख भर देता है। पर यह किसी रूहानी फकीर ने नहीं लिखा कि भगवान परमात्मा पैसा लेता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो भाई सत्संग में जब जीव चल के आता है तब सच्चाई की समझ आती है। सुनी सुनाई बातें सिर्फ बातें हैं जब तक उन पे अमल ना किया जाए। तो जब इंसान सत्संग में आता है, बैठता है, तो समझ आती है असलियत की, वास्तविकता की। वैसे संग का रंग जरूर चढ़ता है, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। शराबी के पास बैठो तो शराब के गुणगान गाएगा, बड़ी कमाल की होती है, दिल बड़ा कर देती है। अरे पी के तो देखो ये रोटी हजम हो जाती है, पता नहीं क्या क्या। वो कभी नहीं बताता कि इसको पीने से घरों के घर तबाह हो जाते हैं, इसको पीने से शरीर अंदर ही अंदर खत्म हो जाता है, और ये राक्षसी पीना है, इंसानी का इंसानियत का नहीं। इतिहास गवाह है, जिसने भी नशे का पान किया खुद को परिवार को बर्बाद कर दिया। लेकिन वो कभी नहीं बताएगा कि इसमें अवगुण है। अगर वो अवगुण बताएगा तो उसके संगी साथी कम ना हो जाएंगे, पिलाने वाले फिर साथ ना छोड़ जाएंगे। तो जो लोग निरंतर उनके पास बैठते हैं, जाके बातें सुनते हैं, तो उनके अंदर ये भावना जरूर पैदा होती है कि तू भी थोड़ी पी के देख, क्या हर्ज है अगर दो चार घूंट मार लेगा। तो इस तरह से संग का रंग जरूर चढ़ता है। जुआरी के पास बैठे कोई तो वो जुए के बारे में बताएगा, कैसे पत्ते लगाते हैं, किस तरह से नोट दुगने चार गुने हो जाते हैं। कभी नहीं बताता कि महाभारत का कारण एक जुआ भी था जिसने वंश तक नाश कर दिया था, तबाही ला दी थी, घरों के घर बर्बाद हो जाते हैं। तो नशेड़ी के पास नशे का, जुआरी के पास जुए का रंग जरूर चढ़ता है। जिंदगी में अगर आप सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, खुशियां लज्जत चाहते हैं, तो बुरा संग कभी ना करो, क्योंकि बुरा संग करने वाले के अंदर बुराइयां पैदा होती हैं और वो बुराइयां सुख शांति को, आनंद लज्जत अमनो चैन को जला के राख कर देती हैं। भलाई का संग करो, नेकी का संग करो, भले लोगों के पास बैठोगे तो आपके अंदर जरूर भलाई पैदा होगी, जरूर नेकी के विचार उठेंगे। और गलत संग से तो जिंदगी का रुख ही बदल जाता है, गलत तरफ जाता है इंसान, कुछ भी सोच नहीं पाता, बुराइयां करता चला जाता है। जैसे गंगा जल है, उसमें कितना ही बदबूदार पानी मिल जाए, नदी नालियों का पानी, गंदा पानी उसमें गिर जाता है तो वो गंगा जल कहलाता है। नमक की खान में सुना है जो चला जाता है वो नमक ही हो जाता है। और गंगा में चाहे बदबूदार शराब ही क्यों ना पड़ जाए, वो भी आखिर गंगा जल कहलाती है। उसी तरह से कितनी भी बुराइयां की हों, बुरे खोटे कर्म किए हों, अगर सत्संग में जीवाए,
मालिक की चर्चा करे, परमात्मा ओम हरि का नाम ले, अल्लाह की इबादत वाहिगुरु की याद करे, तो वो भी उसी गंगा जल की तरह पाक पवित्र कहलाता है। उसकी बुराइयां, बुरे कर्म, सत्संग को अगर ध्यान से सुने, राम नाम की साबुन लगाए, तो वो सारी बुराइयां, सारे पाप खत्म होने शुरू हो जाते हैं और वो पाक पवित्र होता हुआ मालिक के दर्श दीदार के काबिल लायक बन जाता है। तो सत्संग जरूरी है। इस कलयुग में अगर आप सुख चाहते हैं, अगर आप आनंद लज्जत से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, गम चिंता से आजाद होना चाहते हैं, तो सत्संग लाजमी है, जरूरी है। जो जीव सत्संग में आके बैठते हैं, दुनियावी बुरे असर खत्म होना शुरू हो जाते हैं, गंदे बुरे विचार खत्म होने लगते हैं और अच्छे नेक पाक पवित्र विचार पैदा होने शुरू हो जाते हैं। सत्संग का फल हर धर्म में जबरदस्त बताया है। महापुरुषों ने लिखा है कि सत्संग में यहां प्रभु मालिक के नाम की चर्चा होती है, वहां मालिक खुद विराजमान होते हैं और वो अपनी रहमत, दया, मेहर सुनने वाले जीवों पे, मानने वाले जीवों पे बरसाते रहते हैं। ये अलग बात है कि कौन कितनी रहमत पाता है। सुनना अच्छा है, लेकिन सुन के मानना सबसे जरूरी है। अगर आप मानते नहीं, सुनते हो, पढ़ते हो, वो तो एक ज्ञान है, बोझा ढोने के अलावा कुछ भी नहीं। अगर जिंदगी में असली सुख आनंद चाहते हो तो सत्संग सुनो भी और उससे ज्यादा मानो भी। जो वचन आपके भले के लिए हो, आपके फायदे के लिए होते हैं, सभी के सभी वचन सत्संग में, तो उनको जिंदगी में अपनाते जाओ, उन पे अमल करते जाओ, सुख आनंद लज्जत जरूर मिलेगी। तो सत्संग जबरदस्त रूहानी स्कूल या कॉलेज है। यहां पे इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, सब पाप बुराइयों से रहित करके इंसान को मालिक के दर्श दीदार के काबिल बनाया जाता है। सत्संग में जबरदस्त कशिश है, ताकत है। जो जी बैठते हैं, सुनते हैं ध्यान से, तो उनके अंदर परिवर्तन आना शुरू होता है। सत्संग पे अगर अमल किया जाए तो तकदीरें बदल जाती हैं, भाग्य उज्जवल हो जाता है और इंसान सुख आनंद के काबिल बन जाता है। जिस तरह से पारस के बारे में सुना है कि जो कुछ भी पारस से लगता है लोहा, वो सोना हो जाता है। पारस ये नहीं देखता कि वो लोहा कसाई के घर का छुरा है या पूजा स्थल की घंटी। पारस का एक ही काम है, जो लोहा उसे लगेगा उसे वो सोना बना देता है, स्वर्ण में बदल देता है। तो सत्संग उससे भी बढ़ के है। सत्संग में कोई भी जीव कैसा भी आए, दुनिया वाले उसे गुनाही कहें, पापी कहें, कुछ भी, चाहे भला नेक इंसान कहें, जो भी सत्संग सुनेगा, अमल करेगा, राम नाम की दवा लेगा, अल्लाह मालिक को याद करने का कलमा शब्द लेगा, वो जीव सोना बनता नहीं बल्कि खुद पारस बनता हुआ महसूस करेगा। कैसे? एक इंसान मालिक की याद में आके बैठता है, मालिक का नाम लेता है और वो जिधर भी जाएगा, अपने रिश्तेदारियों में,
अपने यार दोस्तों के पास, तो उन्हें सत्संग की, परमात्मा की पाक पवित्र बात सुनाएगा। वो सुनेंगे तो उन पे किसी ना किसी पे असर जरूर होगा, और वो उसकी बात सुन के सत्संग में आएंगे और मालिक का नाम ले लेंगे। तो उस इंसान ने पार्स का काम कर दिया, खुद तो वो सुधरा ही, जिसके पास बैठेगा उसको भी वो सुधारता जाएगा। तो इसलिए संतों ने लिखा सत्संग का असर जबरदस्त है, जो भी सुने और अमल करे खुशियों से दामन झोलियां लबालब भर जाती हैं। तो भाई सत्संग में आने से लाभ ही लाभ है, नुकसान तो जरा सा भी नहीं। आपको आने वाले दुखों का, तूफानों का सामना करना पड़े, आपके लिए बहुत सी परेशानियां आने वाली हैं, पर अगर आप सच्चे दिल से प्रभु की सच्ची सत्संग, यहां प्रभु परमात्मा का नाम लिया जाए, लगन से ध्यान से सुनते हैं और वचनों पे अमल करते हैं, तो आने वाले दुख अगर भोगने पड़े तो सूली से सूल बन जाएगा, पहाड़ से कंकर में बदल जाएगा। पर अगर आप अमल नहीं करते, सुन लेते हैं, सुनते हैं सत्संग, लेकिन अमल नहीं करते, फल तो उसका मिलेगा लेकिन आत्मिक फल, जब आत्मा से हिसाब किताब होगा, दरगाह में तो कर्म कटेंगे, लेकिन इस जन्म में रहते हुए अगर सुख शांति चाहते हो, कर्मों का खात्मा चाहते हो, तो सत्संग के वचनों पे अमल जरूर किया करें। अगर आप अमल नहीं करते, मानते नहीं, तो भाई बोझा ढोने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। जैसे कोई भी जीव जानवर है, वो एक क्विंटल बोझा ढो रहा है, चाहे उस पे पत्थर रख दीजिए, चाहे पवित्र ग्रंथ रख दीजिए, चाहे हीरे जवाहरात, उसने तो एक क्विंटल बोझ ढोना है, सिर्फ बोझा ढो रहा है। उसे कोई ज्ञान नहीं कि वो ग्रंथ पढ़ के क्या हो सकता है, हीरे जवाहरात कितने कीमती हैं, उसको पत्थरों में और उनमें कोई अंतर नजर नहीं आता, क्योंकि वो बोझा ढो रहा है। पर इंसान को अगर ऐसा कहा जाए तो पत्थर तो क्विंटल नहीं उठाएगा, हीरे जवाहरात कहेगा मर जाऊं चाहे डेढ़ क्विंटल रख दो, फिर भी उठा के चल पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसे ज्ञान है। तो भाई अमल करना ज्ञान के साथ जरूरी है, वरना पशु की तरह बोझा ढोना है। आप कितना भी रट्टा लगा लें, पवित्र ग्रंथ जुबानी याद कर लें, अगर आप महापुरुषों के वचनों पे अमल नहीं करते, तो सिवाय बोझा ढोने के आप जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं करते। वचन सुनो पर उन पे अमल जरूर करो। जैसे धरती में पानी है, फूलों में खुशबू है, दूध में घी है, लेकिन अपने आप बाहर नहीं आता। धरती के ऊपर कोई बैठ जाए, तपस्या शुरू कर दे, पानी निकल बाहर, तू निकलता है कि नहीं, गुस्से में आ जाए, तो पानी ऐसे बाहर नहीं आता। अमल, मेहनत की जाए, खड्डा खोदा, बोरिंग की, पाइप वगैरह डाले, तो पानी अगर सही है तो जरूर बाहर आएगा, जरूर मिल जाएगा। उसी तरह से घी में दूध, दूध में घी है, वो भी बिना जाग के बाहर नहीं आता, जमता है दूध, फिर जाके बिलोते हैं मक्खन, गर्म करने से घी और छाछ अलग अलग होते हैं। उसी तरह से जब तक आप अमल नहीं करते, मानते नहीं, तब तक सत्संग का जो सच्चा सुख है, आनंद है, परमानंद की प्राप्ति आपको नहीं हो सकती। तो सत्संग में आना बहुत जरूरी है, पर आके शांत चित होके बैठे, ध्यान से सुने, उस पे अमल करें, यह भी बहुत जरूरी है।
बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे। ज्ञान कितना भी हो अगर अमल नहीं तो सब निकम्मा हो जाता है। और अगर आप अमल करते हैं, कर्म करते हैं, ज्ञान नहीं तो कर्मों की जगह कुकर्म भी कर सकते हो। तो इंसान को ज्ञान योगी होना भी जरूरी, लेकिन कर्म योगी होना भी जरूरी। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो सत्संग में ज्ञान दिया जाता है, कर्म करने का उत्साहित या प्रेरित किया जाता है, अधिकार इंसान को मिला है उसे जगाया जाता है कि भाई ये मालिक का ज्ञान है, नाम है, इसका जाप कर, अभ्यास कर, तो जिंदगी में बहारें जरूर आएंगी, तेरे गम दुख परेशानियां जरूर दूर होंगी। तो सत्संग में आके जो अमल करते हैं वही असली जिंदगी का मजा ले पाते हैं। सुन के छोड़ दिया, फायदा तो होता है पर जितना होना चाहिए उतना हो नहीं पाता। तो भाई सत्संग, मालिक का संग, प्रभु परमात्मा का संग, अल्लाह राम का संग जो जीव करते हैं वो इस जहां में भी सुखी और अगले जहां में भी पाक पवित्र होके मालिक में समा जाते हैं। अगर आप चाहते हैं आपको जिंदगी में सुख मिले, अगर आप चाहते हैं आवागमन से आपको मोक्ष मुक्ति मिले, अगर आप चाहते हैं दुख कलेश मुसीबत परेशानियों से, गम चिंता टेंशन इन सब से आजादी निजात मिले, इन सब के लिए सत्संग में आना और प्रभु परमात्मा का नाम लेना बहुत जरूरी है। जैसे तीर्थों पे इंसान नहाता है, आजकल तो बड़ी अजीबोगरीब बात है, लोग नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं और सोचते हैं कि सारे पाप धुल गए। ये सही नहीं है। डुबकी लगाने से तो शरीर की मैल नहीं उतरती, आत्मा की कहां से उतर जाएगी। तो सत्संग सच्चा तीर्थ है। जो लोग आते हैं, नहाते हैं, राम नाम रूपी साबुन लगाते हैं तो आत्मा रूपी कपड़ा उज्जवल पाक पवित्र होता है। जैसे कितना भी मैला कपड़ा हो अगर साबुन लगाया जाए, धोने वाला धोबी ढंग से धोए तो भाई वो मैल चाहे परत दर परत चढ़ी हुई धीरे धीरे कपड़े को छोड़ती चली जाती है, ढंग से धोने वाला हो। वरना अनाड़ी के हाथ चढ़ गया तो कपड़ा फटके लीरो लीर भी हो सकता है। यानी सच्चा फकीर गुरु मुर्शिदे कामिल सच्चा मिले वो धोता है जब राम नाम के साबुन से, तो आत्मा रू रूपी कपड़ा पाक पवित्र होता है और इस काबिल होता है कि अंदर ही उसे अपने मालिक अपने परमात्मा के दर्श दीदार नूरे जलाल नजर आने लगते हैं। ऐसे इंसान को कदम कदम पे यानी हर कदम पे मालिक के रहमो करम का नजारा नजर आता है। तो भाई सत्संग रूपी तीर्थ में आओ और सच्ची लगन से दीनता नम्रता से बैठो, अपने ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा वाहिगुरु रब का नाम सुनो और बाद में उसका जाप करो, तो आपकी गम चिंता टेंशन परेशानियां यकीन मानो दूर होती चली जाएंगी। गम चिंता परेशानी टेंशन का कोई इलाज नहीं है डॉक्टरों के पास सिवाय नशा देने के या इलेक्ट्रिक शॉट वगैरह देने के, और कोई तरीका नहीं गम चिंता को कम किया जा सके, रोका जा सके।
लेकिन राम नाम मालिक की याद मुकम्मल इलाज है। अगर सच्चे दिल से सुमरन किया जाए, सच्चे दिल से मालिक को बुलाया जाए तो गम चिंता परेशानियां खत्म होने लगती हैं, टेंशन बोझ दिमाग से उतरने लगते हैं और इंसान पाक पवित्र होता है। गम दुख दूर भागते हैं, सुख आनंद आत्मिक शांति अंदर बढ़ने लगती है। तो जो जो सुमरन करता है, जो जो मालिक का नाम जपता है, वो सुख वो आनंद जो सिर्फ इंसान हकदार है पाने का, इंसान को हासिल होता है। तो मालिक की सच्ची सत्संग में आप पधारिए। यहां पे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, आपका कोई धर्म जात मजहब नहीं बदला जाएगा, आपको धर्म के नाम पे लड़ाया नहीं जाएगा और ठगी बेईमानी से रोका जाएगा। सच्ची पाक पवित्र बात सुनने को मिलेगी, वही सच्चा सत्संग है। सत्संग का मतलब भगवान को खुश करना है, उसकी औलाद को सुख देना है और जितना हो सके इंसान को आत्मबल बढ़ाने का तरीका बताना है। तो जो जीव सत्संग में पधारते हैं, ध्यान से सुनते हैं, नाम लेते हैं और फिर निरंतर उसका सुमरन करते हैं, तो इस भयानक कलयुग में वो सचखंड से बढ़ के नजारे लेते हैं, जन्नत स्वर्ग से बढ़ के उनको आनंद खुशियां हासिल होती हैं। तो भाई इसलिए संत फकीर सत्संग की महिमा गाते हैं, सत्संग में आने की प्रेरणा करते हैं। ही नूर से हुक्म हजूर से सारी सृष्टि साजी, भाई पंडित काजी, एक ही जात है, जात है।